हेलो बेटा आपके सामने है व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग पैरल स्ट्रेट लाइंस इन द सेम डायरेक्शन दैट इज़ द एंगल बिटवीन दैम इज जीरो डिग्री इन दैट केस यू विल हैव टू फॉर्म द ग्राफ बिटवीन पोजिशन एंड वेलोसिटी टाइम एंड पोजिशन एंड टाइम एंड वेलोसिटी लाइक दैट कई सारी चीज़ें हैं इसका मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट हैं सेम पैरल स्ट्रेट लाइन है आपकी जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ इस तरह का ये स्ट्रेट लाइन है और इस पर वो मूव कर रहे हैं आपके दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं इस स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं ठीक है एक इस पर मूव कर रहा है और एक इस पर मूव कर रहा है दोनों इस पर मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में ठीक है तो इस केस में हमें पोजीशन टाइम ग्राफ वगैरह की बातें कहता है बनाओ और वेलोसिटी के साथ भी जो है रिलेशन चाहता है ये तो कैसे करेंगे बेटा मैं बताता हूँ ठीक है एक हम टेबल सी बना लेते हैं आसान हो जाएगा हमारा काम क्लियर है तो मैं टेबल बना देता हूँ आपके लिए ये हो गई टेबल आपकी इसमें टाइम रीड कर लेंगे एक तरफ पोजिशन रीड कर लेंगे और एक तरफ जो है वेलोसिटी वगैरह जो है सारी चीज़ें रीड कर लेंगे पोजिशन हो गई वेलोसिटी हो गई इतना बहुत है ठीक है देखो बेटा ये चीज़ है ये तो हो गया आपका टाइम ठीक है ये हो गई आपकी पोजीशन पोजीशन और अगला भी मैं पोजीशन ही लिख देता हूँ ये भी हमारी पोजीशन है ठीक है और ये आ गया हमारा इस तरह से ये चीज़ आ जाएगी क्लियर ये पोजीशन आ गई अब और यहाँ वेलोसिटीज़ अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं दोनों की वेलोसिटी सेम ले सकते हो या डिफरेंट ले सकते हो जैसा आपका मन करे वैसा ले लो तो ये पोजिशन है ऑब्जेक्ट ए के लिए है ऑब्जेक्ट बी के लिए यह वेलोसिटी ए के लिए है और अगले वाले में जो मैं बना देता हूँ वेलोसिटी आपकी बी के लिए बना देता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी ये इस तरह से मैंने बना दी क्लियर तो टाइम को ज़ीरो वन टू थ्री फोर पोजीशन मैं मान के चलता हूँ दोनों की ज़ीरो जीरो से ही ले, ले लेता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे ये भी ज़ीरो पर था ये भी ज़ीरो पर था ए की वेलोसिटी है आप लगा के चलो वन मीटर पर सेकेंड का केस है और ये है टू मीटर पर सेकेंड का केस है तो अब आपका क्या आएगा ग्राफ उसके हिसाब से बात करेंगे देखो बेटा अगले सेकंड में क्या होगा एक की पोजीशन पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा जीरो पर तो था ही लेकिन उसकी वेलोसिटी थी वन मीटर पर सेकंड तो एक सेकंड के बाद वो हमसे एक मीटर दूर चला जाएगा तो फाइनल पोजीशन उसकी हमसे वन मीटर होगी उससे अगले सेक एक सेकेंड में एक मीटर तो हमसे दूर था ही और उसकी जो वेलोसिटी है वो है वन मीटर पर सेकेंड तो एक मीटर और आगे चला जाएगा टू हो जाएगा फिर टू तो में से वन ऐड हो जाएगा तो थ्री हो जाएगा फिर थ्री में वन ऐड हो जाएगा तो हमसे फोर मीटर की दूरी पर चला जाएगा अब अगर मैं पोजीशन ऑफ बी की बात करता हूँ तो स्टार्टिंग उसकी जीरो से हुई है दो मीटर पर सेकंड का मतलब हर सेकंड में दो मीटर मेरे से दूर चला जाएगा तो ज़ीरो प्लस टू हो जाएगा तो ये हमारा टू आ जाएगा और ये टू प्लस टू हो जाएगा तो ये हमारा फोर आ जाएगा और ये फोर प्लस टू आ जाएगा तो ये हमारा सिक्स हो जाएगा और ये सिक्स प्लस टू आ जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा एट हो जाएगा और ये तो चेंज होनी नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म मैंने मान रखी है अगर यूनिफॉर्म है तो ये तो हमेशा वन रहेगी हर सेकंड में वन रहेगी और ये हर सेकंड में कितनी रहेगी टू मीटर पर सेकंड रहेगी इनमें नो चेंज आएगा अब अगर आप ग्राफ ड्रा करना चाहते हो तो बड़ा ही आसान है ग्राफ आप ड्रा कर लो ये रहा आपका ये एक्ट ये टाइम है बेटा ठीक है और ये आपकी पोजिशन है ये आपकी क्या है पोजिशन की बात है अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी ए की अगर बात करता हूँ तो जीरो पर कहाँ है वो ज़ीरो पर है ये आपका एक सेकंड ये दो सेकंड ये तीन सेकंड और ये चार सेकंड ये चार चीज़ें हैं चार पॉइंट बना दिए तो अगर ए की बात करूँ तो ज़ीरो पर ज़ीरो है एक सेकंड बाद ये एक पर है दो सेकंड के बाद ये दो पर है तीन सेकंड के बाद ये तीन पर है और चार सेकंड के बाद ये चार पर है तो इस तरह से इसके लिए आ जाएगा आपका ये ग्राफ आ जाएगा क्लियर होगी बात अगला देखो बेटा अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी ये तो आ गया ए के लिए किसके लिए आ गया ये आ गया आपका ए के लिए तो ये हो गया आपकी ए के लिए मैंने बात करिए अब मैं बात किसके लिए कर रहा हूँ बी के लिए बात कर रहा हूँ तो बी के लिए क्या होगा पोजिशन जीरो पर जीरो है एक सेकेंड बाद वो दो मीटर पर है तो एक सेकेंड बाद वो दो मीटर पर है दो सेकेंड बाद वो कितनी दूर है चार मीटर पर दूर है फिर इसको लेकर के जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा आएगा या नहीं आएगा ये आ जाएगा आपका ये आएगा आपका किसके लिए बी के लिए तो ए की पोजीशन और बी की पोजीशन के बीच मैंने ग्राफ बना दिया वो ये बन जाएगा क्लियर होगी बात इसमें कोई डाउट नहीं है तो ये हो गया बी के लिए ग्राफ तो यही हमसे पूछ रहा था एक ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना मैंने आपको बता दिया क्लियर है अगला केस है बेटा आपके पास पोजिशन टाइम ग्राफ बनाना हमें जब ऑब्जेक्ट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो पैरल जैसे ये एक कार है ये इस तरफ जा रही है दूसरी कार आपकी इस तरफ आ रही है एक ही रोड पर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो टाइम मैं ले लेता हूँ ज़ीरो वन टू थ्री फोर ले लेता हूँ और वेलोसिटी ले, ले लेता हूँ इसकी वन मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी ले लेता हूँ टू मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्लियर है और इन दोनों की जो मेरे से पोजीशन है वो मैं बता देता हूँ आपकी क्या है जो ए है वो मैं मान के चलता हूँ कि ज़ीरो से स्टार्ट हुई थी और जो बी है वो मुझसे करीब करीब सौ मीटर आगे थी इस तरह से वो स्टार्ट हुई थी क्लियर है तो एक सेकेंड बाद क्या होगा जो ए है जो ए है ये वाली कार कौन सी है ए वाली कार है और ये वाली कार कौन सी है बी वाली कार है या दो ऑब्जेक्ट हैं आपके इस तरह से ही तो एक सेकंड बाद ए वाली जो कार है हमारी वो मेरे से कितनी दूर हो जाएगी एक मीटर दूर चली जाएगी तो ज़ीरो प्लस वन हो जाएगी दो सेकंड बाद वन प्लस वन मतलब मेरे से दो मीटर दूर, दूर चली जाएगी फिर टू प्लस वन वो मेरे से तीन मीटर दूर चली जाएगी और फिर थ्री प्लस वन वो मेरे से चार मीटर की दूरी पर होगी अब बी वाले की बात अगर मैं करूँगा तो जरा गौर से देखो क्या होगा क्योंकि उसकी स्पीड है दो मीटर पर सेकंड और वो मेरे से सौ मीटर दूर थी तो एक सेकंड बाद वो मेरे से दो मीटर नज़दीक आ जाएगी मतलब वो हो जाएगी हंड्रेड माइनस टू दैट इज़ नाइन्टी एट उससे अगले सेकंड में फिर दो मीटर नज़दीक आ जाएगी नाइन्टी सिक्स उसके अगले सेकंड में फिर दो मीटर नज़दीक आ जाएगी दैट इज़ नाइन्टी फोर उसके अगले सेकंड में फिर दो मीटर नज़दीक आ जाएगी दैट इज़ नाइन्टी टू और ये तो वन 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 रहेगा और ये टू 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 और टू रहेगा ये चीज़ें आ जाएंगी इसको आप ग्राफ पे जब प्लॉट करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी क्या होना है वहाँ पर यहाँ पर तो बेटा टाइम है और यहाँ पर जो है पोजीशन है ठीक है तो अगर मैं ए की बात करता हूँ ए की तो एक सेकंड पर ज़ीरो पर तो ज़ीरो था एक सेकंड बाद एक पर है दो सेकंड बाद दो पर है इस तरह से बनेगा आपका तो ये एक ग्राफ इस तरह का बन जाएगा क्लियर हो गया ये तो आ गया आपका ए के लिए किसके लिए आ रहा है ये ए वाले के लिए आ रहा है अब अगर मैं बी की बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ बी की अगर मैं बात करता हूँ तो B जो था 100 मीटर पे था जब जीरो था तो वो 100 था उसके अगले सेकंड में वो 98 हुआ फिर 96 हुआ फिर 94 हुआ लाइक दैट वो कुछ आपका इस तरह से आना शुरू हो जाएगा क्लियर होगी बात तो ऑब्वियस ही बात है एक पॉइंट ऐसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर यहाँ पर ये यह दोनों मीट कर जाएंगे क्या करेंगे मीट करेंगे दोनों मिल जाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे तो इनके बीच का जो गैप है वो लगातार डिक्रीज कर रहा है देखो लगातार ये जो गैप है इनके बीच का डिक्रीज करता जाएगा और एक बार ये गैप जीरो हो जाएगा लेकिन ये मीटिंग पॉइंट जो है इसका ये वो टाइम है जहाँ पर ये दोनों आपस में मीट कर गए थे ये जो भी टाइम है वो आ जाएगा आपका इसके बाद इनके बीच का जो सेपरेशन है आप साफ दिखाई दे रहा है आपको अब ये सेपरेशन जो है आपका बढ़ता चला जाएगा अब मतलब इनके बीच का गैप इंक्रीज करेगा अब ये दोबारा एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल पाएंगे इस पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट है आपका ये वाला जो पॉइंट है मीटिंग पॉइंट ब्लैक कलर से दिखाया है इस मीटिंग पॉइंट को क्रॉस करने के बाद अब ये एक दूसरे से कभी भी मीट नहीं करेंगे सिर्फ एक बार मीट करेंगे क्योंकि ग्राफ आपका सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है दैट इज़ दिस क्लियर होगी बात और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं अगर ये अपोज़िट डायरेक्शन में ही चलते रहे तो दोबारा लाइफ में कभी भी मीट नहीं करेंगे तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ का जो है ग्राफ ड्रा कर सकते हैं डिपेंड करता है कि कैसी कैसी कंडीशन है गॉट द आइडिया ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है ए पार्टिकल मूव्स ए सर्किल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए ए से स्टार्ट करता है एंड मूव्स इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन और इस तरह से मूव करेगा ये एंटी क्लॉक चलेगा इस तरह से जैसे घड़ी उल्टा चल रही है ना घड़ी के चलने की डायरेक्शन के अपोजिट इस तरह से चलेगा ये कह रहा है पहला पार्ट है इसका कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा इंपॉर्टेंट बात है डिस्टेंस पूछ रहा है ए से बी के बीच में जब ए से बी तक जाएगा तो कितनी डिस्टेंस ये कवर कर लेगा ये बात पूछ रहा है देखो बेटा जो रेडियस है इसकी वो कितनी है कैपिटल आर तो जैसा कह रहा है बेटा ए से बी तक जाना है मुझे मतलब मुझे यहाँ से लेकर के इस तरह से इस पोजिशन से इस पोजिशन पे आना है अगर आप गौर से देखें तो ये डॉटेड लाइन मुझे कवर करनी है और ये जो डॉटेड लाइन है ये चौथा हिस्सा है पूरे सर्किल का खूब अच्छी तरह देख लो पूरा जो सर्किल है आपका उसका फोर्थ पार्ट है ये तो पूरा सर्किल कितना है आपका टू पाई आर खूब अच्छी तरह समझते हो आप सर्कम पूरा सर्किल तभी कवर होगा टू पाई आर या टू पाई कैपिटल आर लिख लेता हूँ रेडियस आपकी कैपिटल आर है इसका ये फोर्थ पार्ट है इसका मतलब ए से बी तक जब जाओगे तो आप इसका फोर्थ पार्ट कवर करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा टू पाई आर बाई फोर इतनी डिस्टेंस आप कवर करोगे जब आप ए से बी तक जाओगे ठीक है तो ये हो गया आपका एक आंसर आ गया बी का आंसर देखो बेटा ये कहता है फ्रॉम ए टू सी ए से सी तक जाने में अब देखो बेटा अगला जो केस है वो ए से सी का है तो ए से चलना शुरू करो इस तरह से इस तरह से आप ए से चलना शुरू करोगे ये आएगा आपका जा के यहाँ तक आ जाएगा तो ए से सी तक जाओगे तो आप आधा सर्किल कवर करोगे और अगर आधा सर्किल कवर करोगे इसका मतलब पूरे का हाफ पूरे सर्किल का हाफ इसका मतलब आप कवर करोगे टू पाई कैपिटल आर डिवाइडेड बाई टू अगला केस जो है आपका वो है ए से डी तक जाना है आपको ए से डी का मतलब आपको ये जाना है यहाँ से चलते 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 इस तरह से कवर करते करते आपको ये यहाँ पर आ जाना है ग्रीन पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ ए से डी तक इसका मतलब है आपको पूरे सर्किल का कितना हिस्सा कवर करना है थ्री बाई फोर खूब अच्छी तरह देख लो थ्री बाई फोर ही तो है ये अरे टोटल चार पार्ट हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ इसका तीन हिस्से हमने कवर करने हैं तो टू पाई आर का थ्री बाई फोर आ जाएगा और अगर कहता है ये कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कहता है ये डी वाला पार्ट है आपका कह रहा है इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट रेवोल्यूशन का केस आपका ये हो जाएगा जा करके इस तरह से चलते चले जाओ आप इस तरह से चलते 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 कहाँ आ जाओगे आप जब दोबारा अपनी ही पोजिशन पर आ जाओगे ए यहाँ पर आ जाओगे तो कम्प्लीट एक सर्किल हो जाएगा दैट विल बी टू पाई कैपिटल आर ये आ जाएगा समझ में आया या नहीं आया ये चीज़ आ जाएगी वॉट द आइडिया तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम एक तो सॉल्व हो गई आगे क्या कह रहा है आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा मैं अभी आपको बताता हूँ ये देखो बेटा अब हमें क्या करना है हमें इन चारों केसेस में डिस्प्लेसमेंट निकालना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप खूब अच्छी तरह समझते हो तो जो पहला केस है अगर मैं उसमें डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा मतलब मैं ए और बी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज़ दिस मुझे ये निकालनी है क्लियर होगी बात ए से बी के बीच की ये डिस्टेंस निकालनी है इतनी तो कैसे निकालूंगा मैं बताता हूँ आपको देखो बेटा कैसे निकलेगी ये निकलेगी आपकी इस तरह से इस तरह से आएगी समझ आया कि नहीं आया इस तरह से आ जाएगी ये क्लियर है तो ए से बी के बीच में साथ दिखाई दे रहा है आपको ये एंगल कितना है नाइन्टी डिग्री है ये कैपिटल आ है तो ये भी कैपिटल आर हो जाएगा इतनी बात समझ में आ गई तो ए से बी के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी ए के बीच के बीच की ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी आपकी अंडर रूट कितना आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर तो ये आ जाएगी अंडर रूट टू आर स्क्वेयर दैट इज़ अंडर रूट टू इन टू आर ये इसका आंसर आ जाएगा मतलब इतनी जो है आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी अंडर रूट टू आर के बराबर जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अगला जो के एक केस आपका ख़त्म कर दिया मैंने अब जो सेकेंड केस है बेटा वो बताता हूँ सेकेंड केस क्या है अब हमें जाना है ए से सी तक तो ए से सी तक जो डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी वो ये होगी सबसे छोटा रास्ता यही होगा और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है जो ब्लू पार्ट है ये ये डायमीटर है तो जो ए का आंसर था वो था आपका जा कर के अंडर रूड टू आर और जो बी का आंसर आएगा दैट विल बी टू आर क्योंकि वो सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसके बाद बारी किसकी आती है इसके बाद बारी आती है बेटा ए से डी तक जब आप पहुँचोगे तो ए से डी तक पहुँचोगे मतलब ये चीज़ आएगी आपकी जा कर के ये तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो ये होगा आपका ए से डी के बीच में ये जो डार्क मैंने ग्रीन लाइन खींच दी है ये होगी तो सी हो जाएगा आपका जा करके अंडर रूट टू आर बिल्कुल उसी तरह से ये आर है तो ये भी आर है ये एंगल कितना है नाइन्टी डिग्री है तो ये कितना जाएगा? आ जाएगा आर अंडर रूट टू आ जाएगा क्लियर है और जब आपने एक कंप्लीट सर्किल कर लिया जैसे ही आप सर्किल को कंप्लीट करोगे तो कितना आएगा आप ए से चले थे आप ए पर वापस आ जाओगे तो ए से चल के जब ए पर वापस आओगे तो इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा आप ए से चले और ए पर वापस आ गए तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए तो फिर आपका क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा तो मैंने तीनों केसेस में आपको बता दिया किस तरह से निकलना है क्लियर है तो आप इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन देखो बेटा कहता है एक कार ट्रेवल से डिस्टेंस ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आर ये एक कार है ये ए से लेकर के कहीं बी तक जाएगी और कितना कवर करेगी स्पीड कितनी इसकी 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड है ठीक है एंड रिटर्न टू ए एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर आर और जब ए बी से ये रिटर्न करके कहाँ आएगी ए पर आएगी तो इसकी स्पीड कितनी थी इसकी स्पीड इस केस में थी 30 किलोमीटर पर आर थी कितनी थी 30 किलोमीटर पर आर थी तो कह रहा है वाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी एवरेज स्पीड की बात कर रहा है तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ठीक है तो मैं मान के चलता हूँ ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है एक्स है तो एवरेज स्पीड आप क्या लिखेंगे एवरेज स्पीड लिखेंगे एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस कितनी ए से बी और प्लस बी से कितना ए टोटल डिस्टेंस तो इतनी हो गई और टाइम कितना ले रहा है टाइम निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे आपको एक फार्मूला पता है स्पीड इज़ इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्लियर है तो यहाँ से टाइम कैसे निकलेगा टाइम निकलेगा आपका जा करके डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये निकल के आएगा इस फार्मूले से तो पहले वाले केस में डिस्टेंस कितनी है एक्स है स्पीड कितनी है आपकी फोर्टी की है दूसरे वाले केस में डिस्टेंस कितनी है एक्स है बी से ए और स्पीड कितनी है थर्टी क्लियर हो गया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला बना आपका ए बी कितना है एक्स बी ए कितना है एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अपॉन फोर्टी और प्लस एक्स अपॉन थर्टी ये आ जाएगा तो जो अगला स्टेप आएगा वो क्या होगा बताता हूँ आपको ये हो जाएगा टू एक्स डिवाइडेड बाई एल्शियम कितना आएगा एल्शियम आएगा, आएगा आपका एक हज़ार दो सौ तो वन थाउजेंड टू हंड्रेड आएगा ये ये हो जाएगा आपका थर्टी एक्स और ये हो जाएगा आपका फोर्टी एक्स हो जाएगा ये यह ट्वेल्व हंड्रेड यहाँ चला जाएगा क्लियर है तो अगला जो स्टेप आएगा वो क्या होगा वो बता देता हूँ ये हो जाएगा बेटा टू एक्स अपॉन सेवेंटी एक्स डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड टू हंड्रेड इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा आपका जा करके टू एक्स मल्टीप्लाई वन थाउजेंड टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई कितना सेवेंटी एक्स अब क्या होगा मैं बताता हूँ इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा वन ट्वेंटी का मल्टीप्लाई टू से करूंगा तो टू फोर्टी आ जाएगा डिवाइडेड बाई सेवन आ जाएगा इतने मीटर पर सेकेंड जो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी गॉट द आइडिया और नॉट मैं फिर बता देता हूँ एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले वाले केस में कितना टाइम लगा मतलब ए से बी तक जब आप गए हो ए से बी तक जब आप गए तो कितना टाइम लगा तो ए से बी तक जाने में जो टाइम लगेगा वो निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से डिस्टेंस थी एक्स स्पीड थी फोर्टी अगले वाले केस में डिस्टेंस थी एक्स और स्पीड कितनी है थर्टी तो टोटल टाइम आपका ये आ गया ये वाला पोर्सन आपका मान लो टी वन आ गया और ये वाला पोर्सन क्या आ गया टी टू आ गया दोनों को आपने ऐड कर दिया आपका आंसर फाइनल गॉट द एटिया ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने कह रहा है कार इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रीट लाइन ओ पी ओ से पी तक जा रही है it moves o to P in 18 ये इट मूव ओ टू पी इन एटीन सेकेंड देखो बेटा ये पॉइंट है ओ और ये गई आपकी पी वाले पॉइंट तक ओ से पी तक जा रही है इसमें टाइम कितना ले रही है टी वन इज इक्वल टू कितना एटीन सेकेंड इतना टाइम ले रही है एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू और फिर पी से क्या करती है लौट करके आ जाती है पी टू क्यू ये पूरा नहीं है ये वाला पॉइंट आपका क्या हुआ मान लो ये पी वाले पॉइंट से क्यों तक वापस आती है और ऐसा करने में कितना टाइम ले रही है सिक्स सेकंड का टाइम ले रही है ये आ गया आपका क्या टी टू टी टू इज इक्वल टू सिक्स सेकेंड वेयर ओ पी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी ओ पी कितना थ्री सिक्सटी है ओ क्यू कितना टू फोर्टी है ठीक है ओ क्यू आपका टू फोर्टी है ओ पी आपका थ्री सिक्सटी है क्लियर है तो ओ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो थ्री सिक्सटी मीटर है और ओ से लेकर क्यू तक की जो डिस्टेंस है आपकी वो बता देता हूँ ओ से क्यू यह है आपकी जाकर के 240 कितनी है 240 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आई बेटा ये आ गई आपकी जा कर के वन कितनी आ गई 120 मीटर आ गई क्लियर है अब इसने कहा वाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम ए है फ्रॉम ओ टू पी ओ से पी तक हमें सबसे पहले निकालनी है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड तो एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ सबसे पहले पहले वाला केस को बता रहा हूँ मैं ए वाला केस एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टोटल टाइम ये निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बैठा ओ से पी तक तो ओ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारी थ्री सिक्सटी मीटर और टोटल टाइम कितना ले रही है एट्टीन सेकेंड ले रही तो ये आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी दैट इज ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ये काम तो ख़त्म हो गया अगला क्या है आपका अगला है आपका जाकर के एवरेज स्पीड क्या है आपकी एवरेज स्पीड है तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस यहाँ लिख लो आप टोटल डिस्टेंस लिख लो ठीक है और डिवाइडेड बाई क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या लिख लोगे टोटल टाइम लिख लोगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी है ओ से पी की 360 है टाइम कितना ले रहा है एटीन का तो एट सॉल्व होकर के आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड इसका मतलब है ओ से पी तक जाने में आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम है गॉड दाइट और नॉट सिंपल क्वेश्चन है अब बेटा हम बात करेंगे अगला केस जो है बी वाला वो कह रहा है ओ से पी तक की बात करनी है एंड बैक टू क्यू ओ से पी जाएंगे और पी से क्यू जाएंगे मतलब मेरी जो जर्नी है मेरी जर्नी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये यह ग्रीन पार्ट है इतना मुझे जो है जर्नी करनी है तो मैं सबसे पहले निकालूंगा एवरेज स्पीड क्या निकालूंगा एवरेज स्पीड निकालूंगा कैसे आएगी टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कैसे आएगी आपकी ओ से लेकर पी तक गए थे फिर पी से आप क्यू तक गए टोटल टाइम कितना लगा ओ से लेकर पी तक का टाइम तो टी ओ पी और प्लस टी पी क्यू इतना टाइम लगा आपको ठीक है तो ओ से लेकर पी के बीच की डिस्टेंस कितनी है थ्री सिक्सटी है पी से लेकर क्यू की डिस्टेंस कितनी है ज़रा गौर करो पी वाला पॉइंट तो आपका ये रहा और क्यू वाला ये रहा और ये जो गैप है आपका पी से क्यू का दिख रहा है ना आपको पी से क्यू का गैप है वन ट्वेंटी मीटर तो पी क्यू कितना है वन ट्वेंटी टाइम कितना लगा टी से ओ से पी के बीच में कितना टाइम लग रहा है आपको अट्ठारह सेकेंड लग रहे हैं और पी से क्यू में कितना टाइम लग रहा है सिक्स सेकेंड लग रहा है तो ये टोटल आ जाएगा आपका जा करके फोर एट्टी और डिवाइडेड बाई कितना ट्वेंटी फोर यह आ जाएगा बेटा आपका जा करके के ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ये तो आपकी एवरेज स्पीड आ गई गॉट द आइडिया इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी अब बात करेंगे बेटा किसकी एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ लिखूंगा एवरेज वेलोसिटी वो कितनी है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका ओ से लेके क्यों तक ही हुआ खूब अच्छी तरह सोच लो खूब अच्छी तरह सोचो आप ओ से पी गए फिर पी से क्यों आए मतलब आपका जो फाइनल पॉइंट है जो फाइनल है वो तो यही है फाइनल पॉइंट आपका ये है और इनिशियल क्या था इनिशियल पॉइंट आपका ये था तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ ओ से क्यों तक जाने में तो वो इतना ही तो हुआ बेटा सिर्फ इतना ही डिस्प्लेसमेंट तो आएगा ही इनिशियल टू फाइनल ये आएगा ठीक है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ ओ क्यू और टोटल टाइम कितना हुआ आप टाइम ओ से लेकर पी तक गए फिर आप पी से लेकर क्यू तक आए टोटल टाइम आपको इतना लगा तो ओ से लेकर क्यू की डिस्टेंस आप देख रहे हो कितनी है टू फोर्टी है कितनी है टू फोर्टी टाइम कितना लगा एटीन सेकेंड तो एक तरफ लगे और सिक्स सेकेंड एक तरफ लगे तो ये टोटल आ जाएगा आपका जाकर के टू फोर्टी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा टेन मीटर पर सेकेंड आ जाएगा गॉड द तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की वेरी गुड ये क्वेश्चन देखो बेटा ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट तो ये इसका मैन का होम है और ये कहाँ जा रहा है मार्केट जा रहा है आपका ठीक है और ये जो डिस्टेंस है इसकी इतनी ये थ्री किलोमीटर है अवे विद ए स्पीड ऑफ सिक्स किलोमीटर पर आर और ऐसा करने के लिए कितनी स्पीड से जा रहा है ये जा रहा है सिक्स किलोमीटर पर आर से जा रहा है फिर आगे कहता है मार्केट क्लोज था ही ही इंस्टेंटली रिटर्न्स ही इंस्टेंटली टर्न्स मार्केट बंद था ये फ़ौरन वापस हो लिया वहाँ से एंड वॉक्स बैक विद स्पीड ऑफ नाइन किलोमीटर पर आर तो जब ये यहाँ से होम से मार्केट गया था तो तीन छः की स्पीड से गया था और जो वापस आया वो तेज आया है वापसी का जो इसकी स्पीड है वो है नाइन किलोमीटर पर आर की स्पीड है तो कह रहा है वाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ़ एवरेज वेलोसिटी हमें सबसे पहला क्वेश्चन निकालना है एवरेज वेलोसिटी का तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी ये होता है बेटा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम तो एक बात बताना क्योंकि वो कहाँ से कहाँ गया था वो अपने घर से मार्केट गया और मार्केट से वापस घर आ गया इसका मतलब क्या हुआ इसका इनिशियल पॉइंट भी यही था इसका फाइनल पॉइंट भी यही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जीरो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो टोटल टाइम कितना लगेगा टोटल टाइम बताता हूँ टोटल टाइम लगेगा टी घर से मार्केट का जाने का टाइम और प्लस टी मार्केट से घर आने का टाइम ठीक है एक तो आपका घर से मार्केट गया है एच एम और दूसरा मार्केट से घर आया दैट इज़ एम एच ये टाइम लगेगा एक बात बताओ ये कुछ भी आ रहा हो हमारा इससे क्या मतलब है जब ऊपर चीज़ जीरो है तो जीरो पॉन एनी नंबर विल गिव यू जीरो इसका मतलब इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी जीरो आ जाएगी गॉट द आइडिया और नॉट क्वेश्चन समझ में आ गया अब इसका बी पार्ट देखो क्या कहता है एवरेज स्पीड ऑफ द मैन एवरेज स्पीड निकालनी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या बनेगा टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या निकलेगा टोटल टाइम आएगा ये इस तरह से आएगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है एक चीज़ बताना तीन किलोमीटर जो है घर से उसका मार्केट था तो मार्केट से घर भी तीन किलोमीटर होगा तो गया तीन किलोमीटर आया कि तीन किलोमीटर तो टोटल कितना हो गया थ्री प्लस थ्री सिक्स किलोमीटर और टाइम कितना लगा देखो बेटा जब घर से मार्केट गया था तो स्पीड थी सिक्स की छः की स्पीड से तीन किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा कितने टाइम में थ्री अपॉन सिक्स घंटे में अरे डिस्टेंस अपॉन स्पीड तीन किलोमीटर की दूरी छः की स्पीड से और जब वापस आया तो वही तीन किलोमीटर उसने नौ की स्पीड से किया कवर तो थ्री बाई नाइन इतने घंटे आपको आने में लग गए कैसे आ रहा है बेटा मैं फिर बता देता हूँ टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन क्या स्पीड इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और ये आंसर हमारा आएगा तो जब इसको सॉल्व करना शुरू किया तो देखो बेटा क्या आएगा ये क्या आएगा मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ आएगी थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया और ये हो गया आपका नाइन और सिक्स का एल्शियम जब आप लोगे तो थर्टी सिक्स आएगा तो सिक्स थ्रीजा एट्टीन और फोर थ्री जै ट्वेल्व ये आ जाएगा आपका इतना सॉल्व होकर के आएगा तो फाइनल कितना बनेगा सिक्स अपॉन थर्टी अपॉन कितना थर्टी सिक्स ये थर्टी सिक्स ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा सिक्स मल्टीप्लाई थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई कितना थर्टी तो ये सिक्स से डिवाइड होगा फाइव तो ये आ जाएगा थर्टी सिक्स अपॉन फाइव किलोमीटर पर आर अब अगर आप इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना चाहते हो तो आप क्या करो किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए थाउजेंड से मल्टीप्लाई करो और आर को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो गॉट दी और नॉट तो ये आपकी प्रॉब्लम थी तो बी पार्ट भी आपका कवर हो गया अगला जो इसने हिस्सा इस पूछा है वो कह रहा है कि आपको बताना है कि जीरो से तीस मिनट के बीच में ये सारी चीज़ें करनी मैंने तो कम्प्लीट में बता दिया आपको लेकिन ऐसा करना था इसमें मैं बताता हूँ आपको मैग्नीट्यूड निकालना था एवरेज वेलोसिटी का जीरो से तीस मिनट में पहला केस ये है अगर सिर्फ ए को कंसीडर कर रहा हूँ तो इसके तीन पार्ट हैं एवरेज वेलोसिटी निकालो जीरो से तीस मिनट में जीरो से पचास मिनट में और जीरो से चालीस मिनट में तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मैं बताता हूँ आपको कैसे निकलेगा ये अभी क्लियर हो जाता है ये देखो बेटा पहला केस है मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूँगा किसकी बात करूँगा एवरेज वेलोसिटी की बात करूँगा पहले आधे घंटे में तो पहले आधे घंटे में जैसा कि मैंने आपको बताया पहले आधे घंटे में होगा क्या पहले आधे घंटे में जो मैन है वो अपने घर से सिर्फ मार्केट पहुंच पाएगा रीज़न वो तीन की स्पीड से चल रहा है कितनी स्पीड से चल रहा है तीन किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा है सॉरी तीन किलोमीटर जाना है उसको और स्पीड है उसकी सिक्स किलोमीटर की तो आधा घंटा लगेगा हाफ एन आर ही तो लगेगा अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपको टाइम दे देगी टाइम कैसे निकालोगे डिस्टेंस कितनी है थ्री स्पीड कितनी है सिक्स की तो ये कितना आ जाएगा आपका हाफ़ एन आवर आ जाएगा हाफ एन आवर का मतलब कितना हुआ आधा घंटा आधा घंटा मतलब तीस मिनट तीस मिनट में यही तो होगा वो घर से मार्केट मार्केट पहुंचेगा तो एवरेज वेलोसिटी जीरो से तीस मिनट में क्या आएगी बता देता हूं आपको वो आएगी जाकर के डिस्प्लेसमेंट उसका हो जाएगा एच एम मतलब तीन किलोमीटर का और टाइम कितना लग गया बेटा हाफ एन आवर आधा घंटा लग गया तो वन बाई टू तो एवरेज स्पीड इसकी आ जाएगी सिक्स किलोमीटर पर आवर कितनी आ जाएगी सिक्स किलोमीटर पर आर ये तो हो गई आपकी जीरो से तीस मिनट का केस में ये आ जाएगी अब अगला है जीरो से पचास मिनट कितना है जीरो से पचास मिनट तो एक बात बताना जीरो से पचास मिनट में क्या हुआ मतलब टोटल टाइम पचास मिनट लगा टोटल टाइम कितना लगा पचास मिनट उस पचास मिनट में हाफ़ एन आवर कहाँ खर्च हो गया तीस मिनट कहाँ खर्च हो गया तीस मिनट आपके खर्च हो गए घर से मार्केट जाने में बचे कितने बीस मिनट बचे कितने बचे बीस मिनट तो बीस मिनट में वो क्या करेगा मार्केट से घर की तरफ आ रहा होगा मार्केट से घर की तरफ आ रहा होगा तो 20 मिनट वो कितनी स्पीड से चला 20 मिनट वो चला 9 किलोमीटर पर आर की स्पीड से 9 किलोमीटर पर आर की स्पीड से इतनी स्पीड से वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ये मैं कैलकुलेट करूंगा तब मेरी एवरेज वेलोसिटी आएगी देखो बेटा ये जो 20 मिनट बचे ना उसके 30 मिनट में तो घर से मार्केट पहुंचा तो 50 मिनट की टोटल हमें बात करनी तो जो बचे हुए 20 मिनट हैं वो मार्केट से घर की तरफ आ रहा है ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो तो इन 20 मिनट्स में क्या हुआ होगा मैं बता देता हूँ देखो बेटा वो वापसी में 9 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आ रहा था मतलब 9 किलोमीटर जाता था एक घंटे में तो एक मिनट में कितना जाएगा 9 बटे साठ किलोमीटर जाएगा आपका एक घंटे एक मिनट में 9 किलोमीटर जाएगा इस तरह से आ जाएगा आपका 9 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से इतना आ जाएगा तो बेटा 20 मिनट में कितना आ गया दिमाग लगा भाई एक मिनट में गया वो नौ बटे साठ किलोमीटर समझ में आया कि नहीं नौ किलोमीटर पर आर की स्पीड थी ना मैंने इसको किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लिया तो एक मिनट में नौ बटे साठ किलोमीटर जा रहा है तो बीस मिनट में कितना जाएगा मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मैं यहां इस तरह से लिख देता हूं इन इन वन मिनट इन वन मिनट डिस्टेंस कवर्ड क्या लिखना आपको? Because, है आपको डिस्टेंस कवर्ड बाई मैन इज इक्वल टू नाइन बाई सिक्सटी किलोमीटर बिकॉज ठीक है सो दैट इन 20 मिनट कितने देर में 20 मिनट में क्या खेल हो जाएगा 20 मिनट में हो जाएगा नौ बटे साठ मल्टीप्लाई बाई बीस तो ये आ जाएगा आपका जाकर के तीन किलोमीटर कितना आएगा तीन किलोमीटर ये वापस आ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ ये मार्केट से घर ही पहुँच गया अरे मार्केट से घर कितनी दूर है तीन किलोमीटर है इसका मतलब तीस मिनट में तो घर से मार्केट पहुँचा था और बीस मिनट में ये मार्केट से घर पहुँच जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ ये जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया जहां से चला था वहीं वापस आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जीरो तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा जीरो आएगा इसका एवरेज वेलोसिटी जीरो से पचास में कितनी आ जाएगी जीरो आ जाएगी बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया ये तो जीरो आएगी आपकी क्लियर होगी बात अब अगला जो पार्ट बसता है जीरो से चालीस मिनट का वो करके देखते हैं देखो बेटा जीरो से चालीस मिनट में कैसे कवर करेगा वो क्या क्या होगा एक तो जीरो से तीस मिनट इसमें ये गया कहाँ घर से मार्केट गया फिर बचे इसके पास दस मिनट दस मिनट में क्या होगा चालीस मिनट टोटल थे ना तो दस मिनट बच गया तीस मिनट में तो घर से मार्केट पहुंच गया था तो जो दस मिनट बचे उसमें से जाएगा। जाएगा? मार्केट से घर आ जाएगा कहाँ जाएगा मार्केट से घर आएगा लेकिन इस दस मिनट में इसकी स्पीड कितनी थी नाइन किलोमीटर पर आर थी तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा सिक्सटी से डिवाइड करूँगा तो यहाँ लिख लेता हूँ बिकॉज इन वन मिनट बिकॉज इन वन मिनट डिस्टेंस कवर्ड क्या आएगी डिस्टेंस कवर्ड ये आ जाएगी आपकी जाकर के नौ बटे साठ किलोमीटर आ जाएगी इसलिए आपके पास दस मिनट में कितना कवर करके आएगा ये दस मिनट में आ जाएगा नाइन बाई सिक्सटी और मल्टीप्लाई बाई टेन इस जीरो से जीरो कैंसिल ही आ जाएगा थ्री अपॉइंट टू किलोमीटर इतना आ जाएगा अब ज़रा दिमाग लगाना आप ये इसका घर था ये इसका मार्केट था यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना गया है तीन किलोमीटर गया होगी बात तीन किलोमीटर गया और फिर वापस ये कितना आ रहा है थ्री बाई टू किलोमीटर मतलब आधे रास्ते पर पहुंच गया खूब अच्छी तरह सोचो थ्री बाई टू का मतलब क्या हुआ ये आधे रास्ते पर आ गया है यहां पर आ गया ये तो अब एक बात बताना इनिशियल पोजिशन क्या है इसकी खूब अच्छी तरह सोचो इनिशियल कहाँ था हाउस में था अपने घर पर था होम में था इसके बाद फाइनल कहां पर है यहां पर है. तो ये गैप कितना बचा आपका टोटल थ्री था और ये कितना आपका थ्री बाय टू ब्लू वाला कितना है थ्री बाय टू तो बचा कितना थ्री बाय टू किलोमीटर बचा तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया आप थ्री बाई टू किलोमीटर आया खूब अच्छी तरह सोच लो अरे थ्री टोटल था थ्री में से आधा उसने कवर कर लिया वापसी में थ्री बाय टू किलोमीटर तो बचा कितना थ्री बाई टू किलोमीटर बचा ठीक है और ऐसा करने में टाइम कितना ले रहा है ये टाइम ले रहा है फोर्टी मिनट तो फोर्टी डिवाइडेड बाई सिक्सटी इतने किलोमीटर आ जाएगा ये समझ में आया कि नहीं फोर्टी डिवाइडेड बाई सिक्सटी इतना टाइम उसने और ले लिया किलोमीटर में ओ, ये आ गया आपका किलोमीटर और ये आ गया आपका घंटे इतना उसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी गॉट द आइडिया और नॉट सिंपल देखो बेटा पहला केस है अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है क्या निकालनी है एवरेज स्पीड निकालनी है तो जो पहला केस है वो तीस मिनट का है तो तीस मिनट में तो बेटा वो थर्टी मिनट में तो सिर्फ अपने घर से कहाँ तक पहुँचा था थर्टी मिनट वो अपने घर से उसके मार्केट तक पहुँचा था सिर्फ इतना किया था उसने तो डिस्प्ले डिस्टेंस कितनी कवर की थी तीन किलोमीटर टाइम कितना लिया आधा घंटा लिया इसका मतलब एवरेज स्पीड कितनी हो गई सिक्स किलोमीटर पर आर हो गई बोलो ये समझ में आया या नहीं आया एक काम तो ये ख़त्म हो गया अगला जो केस है बताता हूँ अगला जो केस है बेटा देखो वो है आपका पचास मिनट का एक, आ, काम था तो 50 मिनट में उसने क्या किया है 50 मिनट में वो जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया यही तो हुआ था 50 मिनट में क्या हुआ आधा घंटा तो लग गया हाउस से मार्केट जाने में और 20 मिनट में वापस आ लिया था तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली 3 प्लस थ्री सिक्स किलोमीटर कवर करी और टाइम कितना लिया पचास मिनट लिया इसको घंटे में बदलने के लिए सिक्सटी से डिवाइड कर लो ये किलोमीटर पर आ रहा आ जाएगा आपका क्या एवरेज वेल स्पीड या आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी सेकेंड केस में अब बचा आपके पास थर्ड केस जीरो से चालीस मिनट वाला तो जो ज़ीरो से चालीस मिनट है उसमें एवरेज स्पीड कितनी आएगी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करिए तीन किलोमीटर तो गया तीस मिनट में आधे घंटे में तीन किलोमीटर गया और वापसी जब आया तो 10 मिनट में वो कितना आ चुका था थ्री बाई टू किलोमीटर आ चुका था मैंने आपको बताया था आधा किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर आ लिया था वो वापस 10 मिनट में ठीक है तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई और टाइम कितना लगा आपको 40 मिनट इसको किस में बदल लोगे घंटे में बदल लोगे या आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी किस केस में फोर्टी मिनट में गॉट द आइडिया और नॉट सिंपल थैंक यू